हेलो दोस्तों, मिस इंडिया को क्यों सबसे बेस्ट एप्पल पेयर वैरायटी माना जाता है? मिस इंडिया एप्पल पेयर के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है जो बाकी वैरायटी से इसको अलग करता है? आखिरकार मिस इंडिया को क्यों सबसे प्रॉफिटेबल वैरायटी माना जाता है? आज के इस वीडियो में यही जानेंगे, तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले मिस इंडिया मार्केट में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर के अभी तक मिस इंडिया सबसे ज्यादा प्राइस में सेल होने वाला वैरायटी है। और इसके पीछे दो रीजन है, एक तो इसका कलर, इसका खूबसूरती, और दूसरा है इसका टाइमिंग। सबसे पहले इसके खूबसूरती के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जितने भी वैरायटी मार्केट में है उसके अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत देखने वाला वैरायटी की अगर बात किया जाए तो वो है मिस इंडिया एप्पल बेरी। दोस्तों, सारे वैरायटी का बेरी का अगर आपके सामने रखा जाए और सबसे पहले आपका जो ध्यान पड़ेगा वो है मिस इंडिया एप्पल बेरी के ऊपर आपको पड़ेगा, क्योंकि इसका कलर ही इतना बढ़िया है किसी भी बंदे को आसानी से अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो और अगर आपके सामने कोई बंदा इसका फ्रूट बेच रहा है और अगर आपका ध्यान इसके ऊपर पड़ता है तो आपके मन में इस फ्रूट को खाने की एक चाहत पैदा होगी। तो दोस्तों, यही है मिस इंडिया की खूबी, और बेहद खूबसूरत होने की वजह से इसका प्राइस मार्केट में हमेशा के लिए हमेशा 5-10 रुपए ज्यादा ही रहता है। दोस्तों, अगर इसका टेस्ट की बात किया जाए तो ना इसका अंदर मिठास बहुत ज्यादा है, ना बहुत कम मिठास है, एक मिनिमम मिठास है जो हर एज ग्रुप के लोगों को खाना पसंद आता है। दोस्तों, इसका साइज की अगर बात किया जाए तो साइज भले ही इसका बहुत ज्यादा नहीं होता, 30-35-40 ग्राम इसका एवरेज वजन रहता है, लेकिन भले ही साइज में छोटा हो लेकिन खूबसूरत होने की वजह से इसका जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा है। अभी दूसरा जो कारण है इसका प्राइस ज्यादा होने की वो है इसका टाइमिंग। जब ये मार्केट में आता है तब कोई भी बाकी दूसरी वैरायटी का बेरी मार्केट में नहीं होता है। मिस इंडिया को सबसे फर्स्ट वैरायटी माना जाता है, मतलब अर्ली वैरायटी माना जाता है, क्योंकि यह सबसे पहले पकता है। जनवरी के फर्स्ट वीक से ही ये मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो जाता है और तब कोई भी वैरायटी मार्केट में नहीं होने के कारण लोग काफी ज्यादा मात्रा में इस फ्रूट को खाना पसंद करते हैं और इसीलिए इसका जो फ्रूट है बहुत ज्यादा महंगा सेल होता है। हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर तो शुरू में मिनिमम 30-35-40 रुपए पर किलो के हिसाब से सेल होता है और हमारे इधर बहुत खेती होता है इसका। लेकिन मैं यकीन से बात कह सकता हूँ, अगर आप ऐसी एक जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पर दूर दूर तक किसी के पास भी इसका बगीचा नहीं है तो आपको काफी ज्यादा प्राइस मिल सकता है, इसमें 1% भी कोई शक नहीं है। अभी सवाल आता है कि अगर कोई किसान इसका फार्मिंग करता है 1 एकड़ में तो वो साल में कितना पैसा अर्न कर सकता है? तो दोस्तों, 1 एकड़ में 8x10 या 10x10 फीट के डिस्टेंस में अगर कोई किसान इसका पौधा लगाते हैं तो 1 एकड़ में तकरीबन 500 पौधे लगाए जाते हैं। और अगर वो किसान जनवरी में पौधा लगाता है और हमारा दिया हुआ गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से फॉलो और मेंटेन करता है तो पहले साल में मिनिमम 25-30 किलो फ्रूटिंग पाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत अगर वो करता है तो। तो अगर आप कम करके पकड़ो, 20 किलो भी अगर आपको एक प्लांट से बन रहा है और कम से कम 30 रुपए भी पर किलो के हिसाब से अगर आपका फ्रूट सेल हो रहा है तो एक प्लांट से आपका बन रहा है 600 3 × 2, मतलब 600 रुपीज जो है आपका एक प्लांट से बन रहा है। 1 एकड़ में 500 पौधे बिठाए जाते हैं तो 5 × 6 मतलब 3 लाख रुपीज जो है आपका इधर प्रॉफिट बन रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये जो कमर्शियल फार्मिंग है इसका अर्निंग का मात्रा कितना ज्यादा है। और अगर आप में से बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो मेरे बातों पे भरोसा नहीं करेंगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट हर राज्य में हमारा कस्टमर है। मैं उन कस्टमर से भी आपको बात कराऊंगा जो किसान है, जो काफी सालों से इसका ऊपर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब उनसे आप बात करेंगे, उनसे सलाह लेंगे, तो आपको ये चीज और भी अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे दोस्तों, ठीक है। आज के डेट पे बहुत सारे लोग इसका फार्मिंग कर रहे हैं, हर साल बहुत सारे किसान हमसे जुड़ते हैं और हम पूरी शिद्दत से उनके साथ जुड़े रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्लांट देके भूल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 1 साल तक फ्री गाइडलाइन देते हैं क्योंकि जो नए किसान होते हैं उसको मालूम नहीं रहता कब क्या करना चाहिए, तो हम खुल के मदद करते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका प्लांट अगर आपको चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद अस। इसके बारे में और भी जानना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।